नमस्कार, मैं हूं रामेश नकवी और आप देख रहे हैं देश का नंबर वन प्रॉपर्टी शो प्रॉपर्टी प्लस। इस आधे घंटे के शो में हम आपको ना सिर्फ प्रॉपर्टी बाजार से जुड़ी खबरों के साथ रूबरू करेंगे, बल्कि आप और हम जैसे होम बायर्स की आवाज़ को भी उजागर करेंगे। शो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले डालते हैं आज की हेडलाइंस पर एक नज़र। साहिबाबाद में सस्ते रेट पर कई विकल्प मौजूद, मेट्रो शुरू होने से आ सकता है तेजी से बदलाव, निवेश करने पर मिल सकते हैं अच्छे रिटर्न्स। हाउसिंग फॉर ऑल के तहत कैसे होगा घर का सपना पूरा, केंद्र सरकार ने अभी तक 21 प्रोजेक्ट के लिए फंड किया जारी, राज्य सरकारों की लेट लतीफी से हो रही है देरी। रियल स्टेट में रिकवरी के संकेत, अप्रैल से जून की तिमाही में बढ़ी घरों की बिक्री, फेस्टिव सीजन में हो सकता है सुधार। इस हफ्ते की हमारी कवर स्टोरी एक ऐसे इलाके के ऊपर है जो कि उत्तर प्रदेश के औद्योगिक केंद्र यानी कि गाजियाबाद और देश की राजधानी दिल्ली से सटा हुआ है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं साहिबाबाद इलाके की। साहिबाबाद इलाके में पिछले कई सालों में काफ़ी तेज़ी से डेवलपमेंट दर्ज की गई है। आइए आपको बताते हैं कि क्या हुई है डेवलपमेंट और किस तरीके से हो रहा है इस शहर का विस्तार। की संभावना से यहां आने वाले वक्त में काफी ग्रोथ की संभावनाएं नजर आ रही हैं। साहिबाबाद एक इंडस्ट्रियल टाउनशिप माना जाता था और इंडस्ट्रियल होने के साथ साथ वहां पर लोगों को रहने की ज़रूरत थी, तो आसपास वो एक अच्छा रेजिडेंशियल भी डेवलप होता चला गया। मतलब इंडस्ट्रियल से अब वो इंडस्ट्रियल प्लस रेजिडेंशियल कन्वर्ट हो चुका है और गवर्नमेंट ने भी यहाँ पर कई इंडस्ट्रियल प्लॉट्स को रेजिडेंशियल में कन्वर्ट करने में फैसिलिटेट किया, जिससे कई रेजिडेंशियल अप्रूव्ड कॉलोनीज भी उस एरिया के अंदर आ पाई। किसी भी शहर की ग्रोथ उसकी कनेक्टिविटी पर निर्भर होती है। कनेक्टिविटी के लिहाज से देखा जाए तो साहिबाबाद दिल्ली के अलावा और दूसरे शहरों से कनेक्टेड है। रेल के साथ साथ यहाँ सड़कें भी काफी अच्छी हैं। इस इलाके की सबसे बड़ी खासियत ये होने वाली है कि जल्द ही इसको मेट्रो से जोड़ा जाएगा। मेट्रो की कनेक्टिविटी बढ़ने से यहाँ की प्रॉपर्टी मार्केट में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। जानकार यहाँ तक मानते हैं कि मेट्रो कनेक्टिविटी होने से ये अच्छा डेस्टिनेशन भी बन सकता है। दिल्ली से जब हम गाजियाबाद में एंटर करते हैं तो सबसे पहले वैशाली, इंदिरापुरम और साहिबाबाद, ये लोकेशंस हैं जो कि हिट करती है। और इसकी कनेक्टिविटी ना केवल दिल्ली से बल्कि नोएडा से भी ही, नोएडा से आप जैसे ही आप एंटर करते हैं गाजियाबाद की तरफ तो प्रॉक्सिमिटी जो है इसकी बहुत कम है, तो ऑलमोस्ट आप बोलेंगे कि नोएडा से भी टच करता है आपका, दिल्ली से भी टच करता है, तो लोकेशन वाइज प्रॉक्सिमिटी वाइज काफ़ी अच्छा है। साहिबाबाद में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होने से यहाँ लोगों का रेजिडेंशियल मार्केट की तरफ रुझान भी बढ़ा है। रेजिडेंशियल मार्केट की ग्रोथ से कमर्शियल मार्केट को भी काफी सहारा मिला है। यहाँ पर रेंटल मार्केट के लिए काफी अच्छा स्कोप है। आने वाले समय में मेट्रो कनेक्टिविटी और निवेश बढ़ने की संभावना से साहिबाबाद निवेशकों को अपनी ओर खींचने में कामयाब हो सकता है। रामेश नकवी, जी मीडिया। किसी भी इलाके की तरक्की की सबसे बड़ी वजह होती है वहाँ की कनेक्टिविटी, और साहिबाबाद कनेक्टिविटी के लिहाज से दिल्ली एनसीआर से तो अच्छी तरीके से कनेक्टेड है ही, साथ ही उत्तर प्रदेश के कई इलाकों से भी अच्छी तरीके से कनेक्टेड है। और आने वाले सालों में यहाँ मेट्रो भी ऑपरेशन होने वाली है, जिसका सीधे तौर पर असर यहाँ की रियल एस्टेट मार्केट पर पड़ेगा। आइए आपको बताते हैं कि रेजिडेंशियल रियल एस्टेट मार्केट यहाँ कहाँ स्टैंड करती है और क्या है रेट्स, और अगर आप रेंटल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो उस किस रेट पर आपको रेंटल प्रॉपर्टी यहाँ पर मिल सकती है, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। दिल्ली से सटे साहिबाबाद के इलाके में हर बजट के लोगों के लिए रेडी टू मूव और अंडर कंस्ट्रक्शन के फ्लैट के विकल्प मौजूद हैं। बायर्स के लिए बिल्डर फ्लैट भी मिल जाएगा, और अगर कोई ग्रुप हाउसिंग में रहने का शौकीन है तो यहां पर हर तरह की ग्रुप हाउसिंग के विकल्प मौजूद हैं। यहां पर कई छोटे बिल्डर्स ने फ्लैट्स बनाए हैं। प्लॉट की बात की जाए तो यहाँ पर होम बायर्स के लिए प्लॉट्स के भी कई विकल्प हैं। मेट्रो कनेक्टिविटी बढ़ने से यहाँ पर रेजिडेंशियल मार्केट में काफी ग्रोथ होने की संभावनाएं हैं। रेजिडेंशियल मार्केट की बात की जाए तो बिल्डर फ्लोर का रेट
4,500 से 5,000 रुपए प्रति स्क्वायर फीट है और 2 साल तक करीब 20 से 25% का रिटर्न मिल सकता है। वहीं अपार्टमेंट की कीमत 3,800 से 4,300 रुपए प्रति स्क्वायर फीट है और 2 साल की अवधि तक 20 से 25% का मुनाफा मिल सकता है। वहीं अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी की बात की जाए तो साहिबाबाद में 2 BHK का रेट 4,200 से 4,400 रुपए प्रति स्क्वायर फीट है और 2 साल में करीब 20 से 25% रिटर्न मिल सकता है। वहीं 3 BHK की कीमत 3,800 से 4,000 रुपए प्रति स्क्वायर फीट है और 2 साल तक करीब 20 से 25% का मुनाफा मिलने की उम्मीद है। अक्सर लोग बजट के अभाव में ही उस तरफ मूव करते हैं। वहाँ पर अगर आप प्रॉपर्टी देख रहे हैं तो वहाँ पर आपको ये चीज़ ध्यान देने वाली है कि वहाँ का बिल्डिंग प्लान अप्रूवल ज़रूर चेक कर लें। मतलब जो बिल्डिंग प्लान अप्रूव किया है वो आप डेवलपर से जो प्रॉपर्टी ले रहे हैं वो उसी के हिसाब से बना हुआ है या नहीं, मतलब कंप्लीशन सर्टिफिकेट है या नहीं, और कहीं ऐसा तो नहीं कि डेवलपर जिससे आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं उसने कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेने के बाद उसके अंदर नीचे कमर्शियल शॉप या 1-2 फ्लैट एक्स्ट्रा बना दिए हैं, वो आपको सेल करने की कोशिश कर रहा है। मतलब टाइटल आपको अच्छे ढंग से चेक करना ज़रूरी है उस टाइप की प्रॉपर्टी को बाय करने से पहले। साहिबाबाद में अगर रेंटल मार्केट की बात की जाए तो 2 BHK फ्लैट जिसका एरिया 950 से 1200 स्क्वायर फीट है वो 10 से 12,000 रुपए प्रति महीने के किराए में मिल जाएगा। वहीं 3 BHK जिसका एरिया 1400 से 1600 स्क्वायर फीट है वो 14 से 15,000 रुपए प्रति महीने में मिल जाएगा। रेंटल में वहाँ पे सप्लाई लिमिटेड है, जैसे मैंने पहले बोला एंड यूज़र डोमिनेंट मार्केट है तो एंड यूज़र वहाँ पे ज़्यादा रहते हैं। बट अगर आपको रेंटल में चाहिए तो आपके पास आसपास के ऑप्शंस भी काफ़ी अवेलेबल हैं। तो आसपास की अगर मैं बोलूँ तो आपको 6 से लेके 10,000 में 2 BHK मिल जाता है और 10 से लेके 15,000 में 3 BHK मिल सकता है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि प्रॉपर्टी बाजार में मंदी के बादल छाए हुए हैं और अभी सिर्फ एंड यूज़र की मांग ही निकल रही है। ऐसे में अगर आप साहिबाबाद में घर खरीदने की सोच रहे हैं तो शायद ये सही समय है कि आपको सस्ते रेट्स में काफी अच्छी डील मिल जाएगी। गौरव खोसला, जी मीडिया। ये तो हुई साहिबाबाद की रेजिडेंशियल मार्केट की बात। आइए अब आपको बताते हैं यहाँ पर कमर्शियल मार्केट कहाँ स्टैंड करता है। वैसे आपको ये भी बता दें कि कमर्शियल मार्केट रेजिडेंशियल मार्केट से जरा महंगा है क्योंकि इसकी सबसे बड़ी वजह है इसका इंडस्ट्रियल हब होना। आइए आपको बताते हैं कि अगर आप कमर्शियल मार्केट में निवेश करते हैं तो आपको किस रेट पे यहाँ पे प्रॉपर्टी मिल जाएगी और आने वाले 5 सालों में आप यहाँ से कितना रिटर्न ले सकते हैं। साहिबाबाद में रेजिडेंशियल मार्केट के साथ साथ कमर्शियल मार्केट का भी विस्तार हो रहा है। जिस तरह यहाँ पर इंडस्ट्री ने पैर पसारे हैं, लग रहा है कि आने वाले समय में कमर्शियल मार्केट अच्छा रिटर्न दे सकती है। यहाँ पर कई IT कंपनियाँ हैं और कई ऑफिस भी खुल चुके हैं। अगर कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहता है और लंबे समय के लिए टारगेट फिक्स करता है तो यहाँ पर कई विकल्प मौजूद हैं। साहिबाबाद में कमर्शियल प्रॉपर्टी के रेट्स की बात की जाए तो यहाँ पर दुकान और शोरूम का रेट 20 से 25,000 रुपए प्रति स्क्वायर फीट है और निवेश करने पर करीब 20 से 25% का रिटर्न मिल सकता है। वहीं ऑफिस स्पेस का रेट 5,000 से 5,500 रुपए प्रति स्क्वायर फीट है और 2 साल तक करीब 25 से 30% का रिटर्न मिलने की उम्मीद है। साहिबाबाद के अंदर आप कमर्शियल की बात करें तो वहाँ ज़्यादातर हाई स्ट्रीट मार्केट या ग्रुप हाउसिंग का अप्रूव्ड कमर्शियल या फिर रेजिडेंशियल कॉलोनीज के अंदर शॉप्स, अनऑथराइज शॉप्स। लेकिन आज भी अगर लोगों को बड़ी रिटेल स्टोर के अंदर मार्केटिंग करनी होती है या मूवी देखना होता है तो आसपास के एरिया में जाना पड़ता है, जैसे वर्ल्ड स्क्वायर, EDM, पैसिफिक मॉल, वेव्स, इन मॉल में जाके लोगों को शॉपिंग करनी होती है। तो रिटेल का स्कोप बहुत अच्छा है अगर वहाँ पे ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आती है। ये तो बात हुई कमर्शियल मार्केट के रेट्स की, लेकिन अब आपको बताते हैं कि यहाँ पर रेंटल मार्केट के क्या हालात हैं। यहाँ पर दुकान और शोरूम का रेंटल 50 से 60 रुपए प्रति स्क्वायर फीट है और ऑफिस स्पेस आपको 30 से 35 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में मिल जाएगा। जानकार ये भी मानते हैं कि प्रॉपर्टी बाजार में निवेशकों के गायब होने से कमर्शियल मार्केट की ग्रोथ की रफ्तार अभी स्लो है, लेकिन आने वाले समय में यहाँ मार्केट में काफी तेजी देखने को मिल सकती है। रिटेल में आपको 10 से 12% का रिटर्न मिलता है। अगर हम ऑफिसेज की बात करें, प्योर ऑफिस स्पेसेस की बात करें तो यहाँ पे आपको 8 से लेके 10% का रिटर्न मिलता है। ईयर ऑन ईयर जो आपकी यील्ड होती है वो 8 से लेके 10% होती है। तो ये एक जो चलन है मार्केट का, ये शुरू से चलता आ रहा है और जो रिटर्न्स हैं आपकी इसी हिसाब से मिलती है। साहिबाबाद में भी ज्यादातर हाई स्ट्रीट मार्केट है और काफी हद तक लोगों के जरूरत का सामान अपने आसपास की लोकैलिटी में ही मिल जाता है।
अगर ज्यादा सामान की जरूरत हो तो इन्हें गाजियाबाद के शॉपिंग मॉल्स की तरफ रुख करना पड़ता है। अगर यहाँ पर शॉपिंग मॉल्स खुलते हैं तो काफी हद तक यहाँ की मार्केट को कैप्चर किया जा सकता है और अच्छा रिटर्न भी मिलने की पूरी उम्मीद है। गौरव खोसला, जी मीडिया। प्रॉपर्टी प्लस में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको एक ऐसे बायर की कहानी बताएंगे जिसने यमुना एक्सप्रेसवे डेवलपमेंट अथॉरिटी की एक स्कीम में अपनी जीवन भर की सारी कमाई लगा दी और हाथ लगी तो सिर्फ उसे मायूसी।